नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल कीड़ा में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन उच्च गति अभ्यास 2 प्रतिलेखन संख्या 43 का डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लाया हूँ। डिक्टेशन स्टार्ट होने में शेष हैं 20 सेकेंड। स्टार्ट। महोदय, हमारे जीवन में संगीत का व्यापक स्थान है। भारतवासियों को अपने प्राचीन युग से अथवा अपने पूर्वजों से शास्त्रीय संगीत के रूप में एक बहुमूल्य निधि मिली है। हमारे पूर्वजों की दृष्टि में संगीत का ध्येय आध्यात्मिक साधना था और उन्होंने संगीत का इसी आदर्श के अनुकूल विकास किया। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यह कला पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। संगीत के ध्येय के संबंध में आज हमारे विचार चाहे कुछ भी हो, यह सभी स्वीकार करेंगे कि इसमें सामंजस्य की ओर ले जाने वाली और व्यक्त जगत से एक का आभास कराने वाली शक्ति निहित है। संगीत के वातावरण में ही नहीं बल्कि श्रोताओं और गायकों के मन में भी सामंजस्य की उत्पत्ति होती है। संगीत के उच्च ध्येय और व्यापक प्रभाव के कारण ही प्राचीन काल में भारतवासियों ने संगीत को जनसाधारण के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में ऊंचा स्थान दिया था। शायद ही कोई ऐसा भारतीय त्यौहार या उत्सव हो जिसमें संगीत का आयोजन न होता हो। संगीत जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहता है। हमारे सभी रीति रिवाजों में इसका कुछ ना कुछ स्थान है। शताब्दियों से हम संगीत के प्रशंसक तथा उपासक रहे हैं और हमने इसकी गणना सदा मानव की उच्चतम साधनाओं में की है। काल के प्रभाव से हम लोगों की रुचि में काफ़ी परिवर्तन हुआ, परंतु शास्त्रीय संगीत उसी प्रकार बना रहा और उसमें कोई विशेष और मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। मुसलमान बादशाहों और अमीर उम्रों के द्वारा संगीत को केवल प्रोत्साहन ही नहीं मिला, इसमें समयानुकूल हेर फेर भी हुए और आज विशेषकर उत्तर भारत के संगीत ने उसी युग से प्रभावित और बहुत अंशों में अनुप्राणित होकर अपना नया रूप ग्रहण कर लिया है। पर जो भी हेर फेर हुए वे हैं ऊपरी पोशाक मात्र ही। भारतीय संगीत शरीर और आत्मा से अभी भी वही प्राचीन शास्त्रीय संगीत बना हुआ है। ऐसी आशा की जाती है कि इसमें अभी भी इतनी शक्ति है कि यह अपने को एक बार फिर आधुनिक वातावरण के अनुकूल बना लेगा। प्राचीन संगीत कला भारतीय रजवाड़ों के दरबारों में उनके आश्रय से पनपती रही। यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय नरेशों द्वारा दिए गए प्रचर्य
के कारण संगीत लुप्त होने से बच गया, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि इन वर्षों में भारत की जनता का शास्त्रीय संगीत से बहुत कम संपर्क रहा। अतः जनता और हमारे परंपरागत सर्वश्रेष्ठ संगीत के बीच एक खाई पैदा हो गई। यदि हमें संगीत को जीवित रखना है और सहरसों वर्ष पुरानी इस बहुमूल्य परंपरा की रक्षा करनी है, तो हमें इस खाई को पाटना होगा। यदि यह आवश्यक हो तो शास्त्रीय संगीत में ऐसे संशोधन करने में कोई बुराई नहीं जिनके फलस्वरूप यह लोकप्रिय बन सके। इसके साथ ही जनसाधारण को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे उनकी रुचि अधिक परिष्कृत हो सके और वे शास्त्रीय संगीत का आनंद उठा सकें। भारत गणराज्य में नरेशों अथवा रजवाड़ों का अच्छा स्थान है। महोदय, आधुनिक युग की एक बड़ी देन यह है कि हम किसी भी चीज की बहुत प्रतियां बना सकते हैं। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स के पास। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।